जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी विद्यार्थियों का समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आप सभी के विद्यार्थियों के लिए मैंने प्रीवियस ईयर की क्लास स्टार्ट कर दिया है और आज की क्लास कौन से नंबर की होने वाली है, तो आज आपकी 17 नंबर की क्लास होने वाली है। और आशा करता हूँ इन क्लासेस को लेने के बाद आप में कुछ बेनिफिट महसूस होता होगा और आपको कुछ जो है ऊर्जा मिलती होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है सभी विद्यार्थी, अगर आप लोग जो है PNST नीट और आपकी डाइट वेटनरी जैसे सभी एग्जामों के प्रेशन कर रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस बेहतरीन सेशन को जरूर से ज्वाइन करना है। तो चलिएगा, आज का यह बेहतरीन सेशन का आगाज करते हैं। जूलॉजी के हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जो है कमेंट्स करना चाहते हैं, तो आपको नीचे कमेंट्स करना है, अपने क्या मार्क्स कमेंट्स करना है, आप लोग को काउंट करना है। आपको मैं 3 सेकेंड का जो है टाइम प्रोवाइड करूँगा, उसमें आपको सोचना है क्या आंसर हो सकता है और देन बेथ क्या करना है आपको, इसका आंसर बताना है। देखिएगा, तो आपको पूरा टाइम मैं यहाँ पर आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए, शिशु में दूध का पाचन प्रारंभिक चरण में निम्न द्वारा होता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर रेनिन। 3 सेकेंड आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो क्या राइट आंसर सोचा है आपने? तो क्या सभी बच्चों का इसका रेनिन आंसर आया होगा? तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट होने वाला है। चलिएगा, बढ़ते आगे, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता गया, बस आपको इसके लैंग्वेज समझना है। कीट भक्षी पौधे की आपका कीटों का भक्षण करते हैं। चलिए, Na और मतलब सोडियम व पोटेशियम हेतु, आपका क्लोराइड हेतु, नाइट्रोजन हेतु या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको 3 सेकेंड प्रोवाइड हो रहा है। ओके, तो आपने क्या आंसर चूज़ किया है? क्या सभी का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या? अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है आपका नाइट्रोजन हेतु, तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा है कि आपका मिडिल लेमेला में होता है। चलिए, मिडिल लेमेला में होता है काइटिन या फिर आपका लिग्निन या फिर आपका पेक्टिन या फिर आपका सेलुलोज, तो क्या आंसर होगा? चलिए, तो क्या आंसर होगा आपको? अगर आपने ऑप्शन नंबर जो है सी प्रेस किया है, तो आपका सी होगा, क्या होगा, पेक्टिन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा कि गुणसूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण है। तो 4 ऑप्शन है आपका न्यूमिलर टेक्सोनोमी या फिर आपका साइटो टेक्सोनोमी या फिर है केरियो टेक्सोनोमी या फिर आपका जैव रसायन, तो क्या आंसर आपने चूज़ किया है? चलेगा, तो सभी का क्या ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी प्रेस किया है, तो आपका सही होने वाला है, आपका साइटो टेक्सोनोमी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। चलिए, क्वेश्चन तो छोटा दिया है बट इसने ऑप्शन क्या है बहुत बड़े दिया है। देखिएगा, इंटरफेरॉन्स है, तो यह क्या है आपका फेरॉन्स समझते हैं। पहला ऑप्शन है आपके लिए आपका मैक्रोफेज के प्रोटीन उत्पादन जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, या फिर आपका एलर्जींस है, यह क्या आप थर्ड में दिया आपका वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन जो कि आपका असंक्रमित कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है प्रतिरक्षी आपका अणु है। चलेगा, तो आपने आंसर चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या है यह वायरस संक्रमण कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन जो कि आपका असंक्रमित कोशिकाओं को आपका वायरस में संक्रमित करते हैं, यह एक डेफिनेशन ही आपसे पूछ लिया था इन्होंने। आगे चलते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा इन्होंने, समझते इस क्वेश्चन को, देखिएगा। शीर्ष वृद्धि का उदाहरण है, एग्जाम्पल है क्या, शीर्ष वृद्धि का एग्जाम्पल है आपका सूत्रकृमि, मनुष्य, छिपकली या फिर आपका मेंढक। चलिए, देखिएगा,
आपने आंसर क्या चूज़ किया है? अगर आपने सूत्रक्रमी आंसर चूज़ किया है तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट है। क्या होगा आपका? सूत्रक्रमी इसका करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपका राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल जंतु जगत को, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, केवल आपका पादप जगत को, या फिर आपका जंतु जगत एवं पादप जगत दोनों को। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो अगर आप सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर बी, तो आपका करेक्ट होगा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। ओके चलिएगा आगे चलते हैं ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अम्लीय वर्षा का कारण क्या? ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बहुत बार गाइस क्लास में करवा रखा है, तो इसका तो बिना ऑप्शन पढ़े ही सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट करने वाले हैं अगर आपने समाधान स्टडी पढ़ रखा है। ये एज ए टीज क्वेश्चन पढ़ रखा है मैंने, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है हमारे लाइव क्लासेस में। ओके चलिए देखिएगा अम्लीय वर्षा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण से होती है, धूल के कण से होती है, आपका सोडियम ऑक्साइड या आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण से, या फिर आपका क्या आपका ऑटोमोबाइल प्रदूषण से। तो ऑप्शन नंबर तो गाइस इसका सी ही करने वाले आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। देखिए जेनेटिक्स के टॉपिक का एक क्वेश्चन है और जेनेटिक्स का टॉपिक भी मैंने बहुत ही शानदार आपको पढ़ाया है। दिए गए क्या दिया गया है कि एक्स हीमोफीलिया जीन वाला गुणसूत्र है, एक्स सामान्य रक्त जमने वाला गुणसूत्र है, तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति हीमोफीलिया के वाहक का कार्य करेगा? एक्स वाई, एक्स एक्स डैश वाई, या फिर आपका एक्स डैश, या फिर आपका एक्स या एक्स डैश। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ एक्स और एक्स डैश वाला करेगा, तो यह समझना है आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा आपसे। चलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझते हैं कि आपको आजकल उपयोग होने वाला का हेपेटाइटिस बी का टीका है प्रथम पीढ़ी का टीका, द्वितीय पीढ़ी का टीका, इंटरफेरॉल, या फिर आपका तृतीय पीढ़ी का टीका। तो सभी क्या ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं? 33 सेकेंड में आपको प्रोवाइड करता हूँ। चलेगा तो क्या सभी बच्चों का द्वितीय पीढ़ी का टीका आंसर आया क्या? ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सीरम क्या है? तो रुधिर का प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन बिना प्लाज्मा, चलिए आपका बिना प्लाज्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर होगा आपका? चलिएगा क्या सभी बच्चे ऑप्शन नंबर बी प्रेस कर रहे हैं क्या? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया होगा तो बिल्कुल सही है। क्या होगा आपका? फाइब्रिनोजिन बिना प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि आपका कशेरुका जिसके अग्र तथा पश्चिम भाग पर उत्तलता पाई जाती है प्रोसिल्स, या फिर आपका एसिलस, या फिर आपका एम्फीसिलियस, या फिर आपका ओपिस्थियोसिल, क्या आंसर होगा? चलेगा करेक्ट आंसर की बात कर लूँ तो क्या आप सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या? एसिलस ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ओके क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय गैंडा सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन्य जंतु है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका गिरी राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे मैंने जितने भी आज क्वेश्चन आ रहे गाइस मैंने सब कुछ आपको करवा रखा है लाइव क्लासेस में। चलिए देखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है इसका राइट आंसर होगा, और यह मैंने आपको बहुत ही तरीके से
बड़ा है कि आपका जो गेंडा है, एक सिंग वाला राइनोज है, यह आपको कहाँ पाया जाता है, यह सब कुछ मैंने आपको करवा रखा है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि वह कौन सा एक परजीवी खाद्य फसल है जिसमें विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है। बी वन सोयाबीन, या फिर आपका फ्लेवर सेव किस्म के टमाटर, या फिर आपका गोल्ड राइस, या फिर आपका स्टारलिंग मक्का, क्या आंसर होगा? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपने चूज़ किया आपका फ्लेवर सेव किस्म का टमाटर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलेगा देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है आपसे। तो आपसे पूछा है एटीपी का निर्माण होता है, एटिनिन ट्राइफॉस्फेट, ये कई बार आपको मैंने रेगुलर क्लास में बताया है। देखेगा गाल्जी काय में, राइबोसोम में, केंद्रक में, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, करेक्ट आंसर अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो आपका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका करेक्ट आंसर होगा। आज तो मुझे पता है गाइस, अगर हमारे जो लाइव सेशन में जो भी स्टूडेंट जुड़ता है मॉर्निंग 6 बजे से जो हमारी लाइव क्लासेस होती है, अगर वह आपने ज्वाइन किया है, तो आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से एज ए टीज फंसे होंगे, मुझे तो यही आपको लग रहा है। तो आप गाइस नीचे रिव्यू भी जरूर दें कि जो भी स्टूडेंट लाइव अटेंड करता है उससे इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन एज ए टीज लगते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करेगा और पुरानी क्लासेस को देखेगा, तभी आपकी जो नई वीडियो देख रहे हैं आप लोग वह कवर अप होंगे और वह समझ में आएंगे। ओके, तो चलेगा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड नमस्ते।